الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق गजव बदर की जो बातें बयान हो रही है उसमें आज तीसरी मजलिस है और मैं आपको हकीकत बतलाऊ तीन दिन के अंदर हम बदर को बयान कर ही नहीं सकते बुखारी शरीफ जो कुरान मजीद के बाद दूसरे नंबर की सही किताब है उसमें हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रहमतुल्ल ने बद्र के बारे में एक गिनती के एतबार से सोलह अबवाब जिक्र किए सिक्सटीन चैप्टर्स तो इमाम बुखारी ने जिक्र किए हैं और कुरान की आयतें हदीस पाक का एक बड़ा जखीरा है ये तीन दिन के अंदर तो समझो कि हाई लाइट बयान हुई आपके सामने एक आयत से आज हम शुरुआत करते हैं वो कदम तुम अदिल्ला

इस वक्त पर हम बहुत कमजोर है साहब की राम बदर के मैदान में जो कमजोर थे उससे कई गुना ज्यादा कमजोरी हमारे अंदर इस वक्त पर मौजूद है अब अल्लाह सुबहान हुआ ताला आज भी हमारी मदद फरमा सकते हैं बस जरूरत इतनी है कि फतकुल्ला हम अल्लाह से डरने वाले बन जाए हराम को छोड़ने वाले बन जाए और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करने वाले बन जाए तो इनशाला आज भी अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेंगे फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार आज भी यानी आज भी फरिश्ते और अल्लाह की मदद आ सकती है बस शर्त किया हम बदर वाला माहौल पैदा कर देवे अल्लाह पर भरोसा अल्लाह के सामने रोना अल्लाह से लेना अल्लाह की नेमत की शुक्र गुजारी बस सतरा रमजान सुबह से शाम का वक्त गुजरा और अल्लाह ताला ने बहुत छोटी सी सहाबा की तीन तेरह की जमात उनको हिस्ट्री कल तारीखी ऐतिहासिक फतह और जीत अता फरमाई सेवेंटी मक्का के बड़े बड़े काफिर सरदार कत्ल और सेवेंटी काफिर को कैद पकड़ लिया गया और अल्लाह सुबहान तला ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कुएं में जो काफिरों की लाश डलवाई उनको हुजूर ने खिताब करके कुछ बातें भी इर्शाद फरमाई गनीमत का माल भी बहुत बड़ी तादाद में आया और कैदियों को पकड़ करके मदीन मुनवरा लेकर के रवानगी हुई हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताक़द फरमाई कि भाई कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो देखो सुनने जैसी बात है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सब कुछ सिखाया कैदी लोग के लिए क्या फरमाया तो उनके साथ भलाई की मेरी ताकीद कबूल कर लो पूरी ताकीद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के कैदी लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करो अब सहाबा तो हुजूर का हुक्म सुना तो कैदियों के साथ बेमिसाल अच्छा सलूक किया बेमिसाल अच्छा सुलूक अल्लाह अकबर खुद कैदियों की जुबान से सुनो एक कैदी है अबू उजेर इब्ने उमेर हजरत मसाब इब्न उमेर रदी अल्लाह तला के सगे भाई हैं कहते हैं कि मुझे एक अंसारी सहाबी कैद करके बांध रहे थे चूंकि वो पकड़े गए काफिर थे हजरत मुसाब इब्न उमेर उनके भाई मेरे पास से गुजरे तो भाई ने वो अंसारी को क्या कहा उसको अच्छी तरह कस के फीट बांधो फीट बांधो फेवर नहीं की सगे भाई की ये ईमान देखो और फिर क्या कहा उसकी मां बड़ी मालदार है बहुत पैसे देगी अब जिस अंसारी के घर मुझे रखा गया मदीना में चूंकि मदीना में जेल नहीं थी, तो कैदियों को बांट दिया तो जिस अंसारी के घर में मुझे रखा था तो अंसारी फैमिली वाले लोग मुझे रोटी खिलाते थे और खुद खजूर खा लेते थे रोटी वो जमाने में बहुत कीमती और महंगी थी तो क्या रोटी कैदी को खिलाते और खुद खजूर खा लेते थे और कभी उनको रोटी नहीं मिलती बल्कि रोटी का टुकड़ा भी मिल जाता तो वो मुकैदी को देते थे खुद नहीं खाते थे तो अबू उजैर कहते हैं कि मुझे शर्म आई तो मैंने रोटी लेने से इनकार किया तो वो इशरार करते कि नहीं खाना ही पड़ेगा खाना ही पड़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया है तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करने का एक दूसरे कैदी है जिनका नाम है अबुल आस अबुल आस इब्ने रबी कहते हैं कि मैं एक अनसार की जमात में था अल्लाह उनको जजाय खैर देवे जब सुबह शाम खाना खाते तो रोटी मुझे दे देते और खुद खजूर खा लेते और रोटी कम होती थी खजूर मदीना में बहुत थी एक और कैदी कहते हैं वलीद इब्ने वलीद इब्ने मुगैरा कहा कि मुझे जिनके घर पे कैद रखा गया था कि वो वो अंसारी वो लोग इतने ऊंचे अखलाक के थे कि कहीं जाना होता तो वो लोग खुद पैदल चलते और मुझे सवारी के ऊपर बिठा देते सुबह अल्लाह अंदाजा लगाओ आज के जमाने में कैदियों के साथ कौन इतना अच्छा सुलूक कर सकता है जो सुलूक हजरत नबी करीम वसल्लम ने और आपके प्यारे सहाबा ने बदर के कैदियों के साथ इतना अच्छा सुलूक किया अच्छा बहुत से मक्का के लश्कर में जो लोग आए थे ना काफिरों के साथ वो खुश नहीं थे बहुत से उनमें खुश नहीं थे इस अबू जहल के लश्कर में आने के लिए लेकिन उनको जबरदस्ती मक्का के काफिल लोग लाए थे उन्हीं में से एक नाम है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान हजरत अब्बास रदी अल्लाह त वो आने के लिए खुश नहीं थे लेकिन अबू जहल उनको जबरदस्ती लाया था और चचा अब्बास रदी अल्लाह ताला कैद पकड़े गए अब चचा अब्बास रदी अल्लाह ताला नो के बदन उनका माशाल्लाह बहुत लंबा था तो किसी का कुर्ता उनके ऊपर आता नहीं था तो अब्दुल्ला इब्ने ने उबई का कुर्ता आया था उस कैद के जमाने में तो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मौत के ऊपर अपना कुरता मुबारक अता फरमाया था उसका भी एक अजीब व गरीब पूरा वाकया है जो कभी किसी मजलिस में इंशाला सुनाएंगे तो चचा अब्बास रदी अल्लाह तला को कैद लाया गया तो उनको रस्सियों में बांधा गया था तो रस्सी बहुत फिट थी बहुत फिट तो कराहते रहते थे हाय हाय ऐसा करते थे तो नबी करीम वसल्लम की नींद उड़ गई अपने चचा जान के हाय आह सुन करके बेचैन हो गई हुजूर बेचैन हो गए, गए नींद नहीं आई साहबा को अंदाजा हो गया कि हुजूर को नींद नहीं आ रही है पूछा हुजूर क्या बात है कहा कि मेरे चचा जान को जो रस्सी से फीट बांधा गया है उसकी वजह से उनकी कराहने की आवाज सुनकर के मेरी नींद उड़ गई है तो साहब एक अंसारी साहबी के यहां थे और रोने की आवाज भी हु ने सुनी अपने चचे जान की तो साहबाई के राम ने फौरन उनकी रस्सी खोल दी चचा अब्बास खामोश हो गए तब नबी करीम अलैहि वसल्लम को सुकून मिला और आप सल्लाह वसलम मीठी नींद सोए कितनी बड़ी अजीब बात है अंदाजा लगाओ अब कैदियों के मामले में एक बात सुनो कि जब कैदियों को छोड़ने की बारी आई तो उसका मशवेरा उसकी दास्तान भी बहुत लंबी चौड़ी है बहरहाल फैसला आखिर के अंदर ये हुआ कि कैदियों को दंड लेकर के पेनल्टी लेकर के जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाए अब कैदियों को छोड़ने की बात शुरू हुई तो ध्यान से सुनो पेनल्टी के अंदर बाज कैदी काफिर ऐसे थे कि उनको लिखना पढ़ना आता था राइटिंग एंड रीडिंग आता था तो उनको ये कहा गया कि तुम दस दस मदीना के बच्चों को लिखना और पढ़ाना सिखा दो ट्यूशन क्लासेस चलाओ मदीना के दस दस बच्चों को राइटिंग रीडिंग लिखना पढ़ना सिखाओ और उनको छोड़ दिया जावे देखो हुजूर की नजर में लिखना पढ़ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि बदर के कैदियों में से बास कैदियों को सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाने का ट्यूशन क्लास देने के लिए कहा गया और उसके बदले में उनको छोड़ दिया गया एक और कैदी है अब उस्मान, उनके पास गरीब जैसे आदमी थे कैदी थे टैक्स और फिदिया पेनल्टी भरने की उनके पास ताकत नहीं थी पैसे नहीं थे तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया हुजूर में गरीब हूं बच्चे वाला हूं आप मुझ पर एहसान फरमाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान फरमाया और मुफ्त के अंदर उनको छोड़ दिया और भी मुत्तलिब इब्ने हंतब सैफी ने अबी रिफा ऐसे लोगों को बगैर पैसे के मुफ्त में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया अब चचा अब्बास को छोड़ने की बारी आई उनकी रस्सी तो नबी ए करीम वसल्लम ने ढीली करवा दी लेकिन जब उनको छोड़ने की बारी आई तो बहुत अजीब किस्सा है चचा अब्बास को छोड़ने का भी नबी ए करीम अलैहि वसल्लम ने चचा अब्बास को कहा कि आपको बड़ी रकम फ़िदिये में देनी है सौ किया चांदी और दूसरे करीबी रिश्तेदार अकील इबन अभी तालिब का उनका भी फिदिया आपको देना पड़ेगा ऐसे मदीना के अंसारियों ने दरख्वास्त की कि हुजूर हमारे भांजे अब्बास को भी छोड़ दो अंसारियों ने हजरत अब्बास को भांजा कहा चूंकि हजरत अब्बास की दादी अब्दुल मुत्तलिब की मां वो अंसार में से थी इसलिए कहा कि उनको मुफ्त में छोड़ दो हमारे भांजे को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह खुदा की कसम उनसे एक दिरहम भी हम नहीं छोड़ेंगे मेरे चचा तो मालदार है उनसे पैसे लो मुफ्त में मत छोड़ो जब चचा अब्बास को कहा कि पैसे लाओ तो चचा अब्बास क्या कहने लगे <laughs> मैं तो गरीब आदमी हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है मुझे भी मुफ्त के अंदर छोड़ दो चचा अब्बास कहने लगे तो अब अजीब बात सुनो मुआजा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया चा जान तुम्हारा वो माल कहाँ है तुम्हारी वो दौलत तुम्हारे वो पैसे कहाँ हैं जब तुम मक्का से निकले थे बदर की लड़ाई में आने के लिए तो आपने अपनी बीवी मेरी चची उम्मुल फजल के पास रख के आए थे देखो हजूर का मोजिजा देखो अल्लाह ने कैसे वही के जरिए हजूर को बतला दिया कैसे हजूर के ऊपर अल्लाह के यहां से पैगाम आ गया दरअसल ये था कि चचा अब्बास बड़े मालदार थे और जब मक्का मुकर्रमा से बदर में आने के लिए निकले तो लड़ाई में आ रहे हैं जंग में आ रहे हैं पता नहीं जिंदा वापिस जाते हैं कि मर जाते हैं तो उन्होंने अपना सारा माल अपनी बीवी को दिया कि मेरा ये माल अगर मैं मर जाऊं कुछ हो जावे तो मेरे बेटे फजल बिन अब्बास और कुसुम बिन अब्बास और अब्दुल्ला को इतना इतना दे देना कि मेरे बेटे फजल को इतना देना कुसुम को इतना देना अब्दुल्ला को इतना देना ये दे करके अपनी बीवी हजरत उमूल फजल को दिया था और अजीब बात में बतलाऊं जब चचा अब्बास ने अपनी बीवी को बहुत सारा माल दिया उस वक्त कोई नहीं था प्राइवेंसी एकांत में तन्हाई में हसबैंड वाइफ दो ही थे तीसरे किसी को मालूम नहीं और छुप छुप करके हजरत अब्बास ने अपनी बीवी को पैसे दिए और बीवी ने वो पैसे छुपा दिए लेकिन अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बता दिया इसीलिए जब चचा अब्बास ने कहा कि हुजूर मैं तो गरीब हूं मेरे पास पैसे नहीं है मुझे भी मुफ्त में छोड़ दो तो हुजूर ने फरमाया चचा जान तुम्हारे वो पैसे कहाँ हैं जब तुम बदर में आ रहे थे तो आप मेरी चची को देकर आए उमल फजल को देकर आए वो कहाँ हैं? उस वक्त आप दोनों थे तीसरा कोई नहीं था बस ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनी तो चचा अब्बास रदी अल्लाह तला कहने लगे अल्लाह की कसम जिनको जिस अल्लाह ने आपको सच्चा दीन लेकर के भेजा मैं यकीन करता हूं कि आप अल्लाह के रसूल है चचा अब्बास ने अपने ईमान का इकरार कर लिया कहने लगे कि वो जो माल है ना वो तो मेरे और मेरी बीवी के सिवा कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता इसलिए मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के यहां से आपको वही आती है आप अल्लाह के सच्चे रसूल है फिर चचा अब्बास ने एक दूसरी बात कही कि बीस औकिया जो मेरा माल था वो आपको मिल गया उसी को फिदिये में रख लीजिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो गनीमत है फिर हजरत अब्बास ने अपना भी फिदिया दिया पेनल्टी दी दि, अपने दोनों भतीजों का भी दिया हलीफ का भी दिया सब का फिदिया चचा अब्बास रदी अल्लाह तला उन्होंने अदा किया और फिर चचा अब्बास रदी अल्लाह तला को छोड़ा गया उस मौके के ऊपर उन्होंने ईमान का ऐलान किया और ईमान के अंदर दाखिल हो गए

हकी ए मोहम्मद वसल्लम जो कैदी आपके हाथ में पकड़े गए हैं आप उनको कह दो अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में भलाई को जान लेंगे तो तुम्हें इस फ़िदिये के बदले में कहीं ज्यादा बेहतरीन माल देंगे जो तुमसे लिया गया उससे और तुम्हें बखश देंगे और अल्लाह बहुत बखशने वाले बहुत रहम करने वाले हैं और इन अभी उनको यूं कहो कि अगर वो आपसे खियानत और दगाबाजी करना चाहे तो वो पहले ही अल्लाह से खियानत कर चुके हैं फिर अल्लाह ने उनको आपके कब्जे में दे दिया अल्लाह ताला खूब जानने वाले बड़े हिकमत वाले हैं गोया ईसायत में फजीलत आ गई कि ये जितने कैदियों ने आज पेनल्टी में जितनी रकम दी है अगर ये ईमान ले आएंगे तो अल्लाह ताला उनको पेनल्टी की रकम से कई गुना ज्यादा बरकत अता फरमाएंगे चचा अब्बास रदी अल्लाह तला फरमाते हैं कि वो जो बीस औ किया मेरा माल लिया गया उसके बदले के अंदर अल्लाह ने मुझे बीस गुलाम अता किए और हर गुलाम के पास इतना माल था कि हर एक गुलाम बिजनेस करता था और मुझे आ, अल्लाह ताला ने उससे भी ज्यादा की उम्मीद है बाज रिवायत के अंदर है कि किया के बदले में अल्लाह ने मुझे सौ गुलामता फरमाए और बाज रिवायत में के चचा अब्बास यूं कहते थे कि अगर मुझसे उस वक्त डबल ट्रिबल चिरबल लिया जाता तो बहुत अच्छा होता ताकि आइंदा चलकर मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा माल मिलता और ये माल महाजरीन सहाबा और फिर सब के दरमियान में गनीमत की तरतीब के ऊपर बराबर तकसीम किया गया और उसके जरिए से बड़े फवाद सामने आए ये साहबाई के राम जो बदर के अंदर शामिल हुए तीन सौ तेरह के करीब थे अल्लाह ताला ने इन साहबाई के राम की बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे फजाइल की दौलत से मालामाल फरमाया अजीब फजीलत बदरी साहबा को अता फरमाई एक रिवायत के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बदर वालों की तरफ नजर फरमाई यानी बदर में शामिल होने वाले साहबा की तरफ और अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो चाहे करो व जबत लकम जन्ना फकत व जबत लकमल जन्ना जन्नत तुम्हारे लिए पक्की हो गई जो चाहे करना हो करो जन्नत तुम्हारे लिए पक्की हो गई लेकिन ये साहबा तो शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाले एक हदीस में फरमाया कि जो आदमी बदर की लड़ाई में शामिल हुआ उसको हरगिज जहन्नम में वो नहीं जाएगा यानी किसी बदरी साहबी को जहन्नम की आग में डाला नहीं जाएगा एक रिवायत में है हजरत रिफारदी अल्लाह की कि एक मरतबा हजरत जबरइल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और जिब्रैल अमीन ने पूछा कि जो सहाबा बदर में थे आप उनको कैसा समझते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हम बदर वाले साहबा को समझते हैं तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि फरिश्तों के अंदर भी जो फरिश्ते बदर के मौके पर हाजिर हुए थे वो तमाम फरिश्तों के अंदर सबसे बेहतरीन फरिश्ते हैं तो दुनिया के अंदर सहाबा में सबसे ज्यादा फजीलत वाले बदरी सहाबा और फरिश्तों के अंदर जो फरिश्ते बदर में आए थे वो सबसे ज्यादा फजीलत वाले फरिश्ते तो फरिश्तों में अफजल बदरी फरिश्ते फरिश्तेहाबा में अफजल बदरी सहाबा इसलिए जहां कहीं भी बदरी साहबा का तस्करा आता है तो उनके नाम के साथ बदरी लफ्ज आता है यानी ये वो साहबी है जो बदर के अंदर शामिल हुए थे बदर के मुतालिक ये कुछ तफसीलात मैंने आपकी खिदमत के अंदर अर्ज की अल्लाबहान हुआ ताला हम सबको अपनी नुसरत अपनी मदद अता फरमावे कामिल तकवा अता फरमावे देखो बदर के मुतालिक जो आयतें कुरान में आई उसमें एक आयत में साफ लफ्ज में है वो मन ना इन अल्लाह आजीजन हकीम के मदद तो अल्लाह ही की तरफ से आती है मुसलमान दुनिया में असबाब इख्तियार करे साधन सामग्री जमा करे लेकिन असल बात यह है कि असबाब पर धोखा न खावे मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पर नजर रखे मदद अल्लाह ताला के यहां से आती है दूसरी एक आयत में फरमाया इदियोगशी को मुन्नु मिन्हो के बदर के अंदर सहाबा के ऊपर नींद के जोंके आए इसीलिए कि दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में सहाबा कम दुश्मन के पास हथियार साहबा के पास हथियार भी नहीं तो साहबा कहीं डर न जावे इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अमन सुकून देने के लिए ऊंग तारी कर दी थी मैदान में ऊंग का आना नेमत है और नमाज में हों का आना शैतान की तरफ से है और हुजूर की एक मुट्ठी ने जो काम किया अजीब गरीब मुट्ठी भरकर कंकर डाली और सारे दुश्मनों की आंख में पहुंच गई फलम तक तुलू हम वाला किन्न अल्लाह का मा रोम इज रो मई अल्लाह रमा वली अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने थोड़ा इनको कत्ल किया अल्लाह ने कतल किया ए नबी आपने मुट्ठी भरकर कंकर मिट्टी डाली आपने नहीं डाली अल्लाह ने डाली और अल्लाह ईमान वालों को अच्छी नाम से नवाजना चाहते हैं, नवाजे अल्लाह बहुत सुनने वाले सब कुछ जानने वाले हैं और एक जगह फरमाया व कोरोत खुम उन्ना सुमरी वसुमिन तीबा तिल अल्लाम तश कोरो मक्का में तुम्हारी तादाद बहुत कम थी तुम थोड़ी तादाद में थे कमजोर थे लोग तुमको तबाह बर्बाद खत्म न कर देवे लेकिन अल्लाह ने मदीना के अंदर तुमको जगा दी अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई पाकिजा रोजी अता फरमाई लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करो आज हमको पाकिजा रोजी मिली है अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनो और इस बदर के दिन को अल्लाह ने क्या फरमाया वमा अला अब दिना यौ मल फुरान यौ मल जम आन फैसले का दिन फरमाया इस दिन हक और बातिल के दरमियान अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया हक हक होता है बातिल बातिल हुआ करता है इस बात का फैसला हो गया लिहाजा ये बद्र बड़ी अहम चीज है और बदरी साहबा के बहुत सारे नाम मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर मिलते हैं लेकिन हजरत इमाम बुखारी रमतुल्ल ने अपनी सही बुखारी में एक पूरा बाब कायम किया है जिसमें चवालीस के करीब बदरी सहाबा के नाम जिक्र किए हैं और इस बाब के बारे में शुर्राय हदीस ने लिखा है कि इन बदरी सहाबा का बाब पढ़ कर के दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है पहले हमारे यहां इसके पंपलेट भी छपते थे अब भी छपते हैं बहुत सी जगह पर जिसके अंदर तमाम बदरी साहबा के नाम लिखे होते हैं लोग उसको बरकत के तौर पर घर में फ्रेमिंग करके रखते हैं और बदरी साहबा का नाम पढ़ो और फिर दुआ करो तो अल्लाह ताला के यहाँ दुआ कबूल हुआ करती है कौन कौन नाम मैं भी जो बुखारी में आए वो नाम पढ़ के सुना देता हूँ अन नबी यू मोहम्मद उबन अब्दुल्लाशमी सल्लाम या بلال بن رباح مولى ابي بكر القرشي حمزه بن عبد المطلب الحاشمي حاتب بن ابي بلتعه حليف لقريش ابو حزيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي حارسة بن الربيع الانصاري قتل يوم بدر وهو حارسة بن سراقة كان في النزارة जंग में ये बाकायदा शरीक नहीं थे आए और तीर लगे और शहीद हो गए हजरते कि ये पहले शोर है ये खुने सिबन हुफा इनकी शहादत के बाद फिर हजूर से निकाह हुआ रिफातुबन राफेल अंसारी रिफातुबन अब अबू अंसारी जुबई रुबन रशी

عبد الله بن عثمان ابو بكر الصديق القرشي عبد الله بن مسعود الهزلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عبيدة بن الحارث القرشي عبادة بن الصامت الانصاري عمر بن الخطاب العدوي عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه يا عثمان رضي الله تعالى عنه गजवाए बदर में बाकायदा शरीक नहीं हुए थे इसलिए कि उनकी बीवी हजरत रुकैया रदी अल्लाह तला नबी करीम सल्हम की बेटी बीमार थी इसीलिए हुजूर ने उनको मदीना में रुकने के लिए कहा था और अजीब बात सुनाओ जिस दिन बदर के अंदर सहाबा की फतेह की खुशखबरी मदीना पहुंची तो लोग हजरत रुकैया रदी अल्लाह तला को दफन कर रहे थे उनका इंतकाल हो चुका था इसीलिए हुक्मन इनकी शिरकत है अली अब अल हाशमी अमरुबन आफ हलीफ बनेकब आमिर अमर आमिरत आसिमबन आसिमबल सादतल अंसारी इतबान इबन मालिकारी खुदाम खुदाम तुबन मज कब्न नाम अंसारीआजन अमरिबन जमोह मवि जबन अफरा व

तो ये बदरी साहबा के नाम बुखारी में भी है सीरत की किताबों में भी है लोग आजकल एक क्रेज रखते हैं कि बच्चा पैदा हो तो नया नाम रखने का तो ये बदरी साहबा के नाम ऐसे भी बरकत वाले हैं, बड़े प्यारे नाम हैं। इनमें से पसंद कर, कर के नाम रखो इनशा बदरी साहबा जैसे सिफात और खूबियां आपके बच्चों के अंदर आपकी औलाद के अंदर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तीन चार मरतबा बदर जाने की शहादत नसीब हुई आज भी कोई आदमी बदर जाता है तो अजीब नुरानियत अजीब रहमत अजीब बरकतें वहां मालूम होती है चंद साहब किराम जो शहीद हुए थे उनकी कबरें मुबारक भी है वहां कबर पर हाजिरी होती है तो अजीब बरकत मालूम होती है जिस तरफ में हजरत नबी करीम सल्लाम और साहबा के राम का काफिला रुका हुआ था वहाँ इस वक्त के ऊपर बड़ा हरा हरा शानदार खजूर की बाड़ी है खजूर का डेट्स फार्म है इस वक्त के ऊपर वहाँ एक मकामी अरब साथी ने बहुत तफसील से बतलाया कि ये जहाँ पर साहब के राम रिदवान तला मजमाइन और हजरत नबी करीम सल्लाम रुके हुए थे वहां पूरा हरा हरा ग्रीन ग्रीन खजूरों के बागात ग्रेप्स अंगूर और फुदीना और वेजिटेबल बहुत अच्छे पानी भी बहुत अच्छा और जहां मक्का के कुरेशी काफी लोग रुके हुए थे वहां अभी भी पत्थर पत्थर रेती कंकर और जो है उज्जड़ उज्जड़ बंजर बंजर मालूम होता है और जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक छप्पर था वहां बेहतरीन मस्जिद है मस्जिदीश बेहतरीन मस्जिद है वहाँ नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ लेने की तहियतुल मस्जिद पढ़ लेने की चूंकि वहां बैठ कर नबी करीम सल्ला वसलम ने खूब दुआ मांगी थी अल्लाह तला से इसीलिए हम लोग भी वहां बैठ के अल्लाह तला की बारगाह में दुआ करें अल्लाह के सामने सजदे में बैठ के सजदे में दुआ करे बैठ कर दुआ करे हाजा पढ़ के दुआ करे ये बड़े मुबारक मकामत हैं अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों से बरकतों से मालामाल फरमावे और अल्लाह सुबह ने जिस तरीके से में मदद फरमाई अल्लाह ताला अहले ईमान की पूरे आलम में नुसरत और मदद फरमावे आफियत और सलामती अता फ़रमावे वाखिर आलमीन हम भी मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं अल्हदल रबीन अलहमदिल्लाबीन अलहमदल रबीन अल्लाम वबारक वन على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم البدريين جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ यार हमर या यार हमर ए एल्ला हमारे और पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमाओ एल्ला हमारे और पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमाओ एल्ला हमारे और पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमाओ एल्ला इस साल की रमज़ान के मगफिरत के अशरे का आखिरी दिन है ए hey अल्लाह हम सब की मफफिरत फरमाओ मगफिरत के फैसले फरमाओ मगफिरत के फैसले फरमाओ आपके सिवा कोई माफ नहीं कर सकता आपको माफी बहुत पसंद है हमारी हमारे बीवी बच्चों की हमारे भाई बहनों की हमारे इस मशाइन तलामीजीन की मतलकिन की पूरी दुनिया के अहले ईमान की नबी ए करीम वसल्लम से लेकर आज तक इंतकाल करने वालों की हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम ईमान वाले मर्दों की औरतों की और जिन्नात में से जितने ईमान लाए उन सब की ए अल्लाह सबकी मकफिरत फरमाओ सबकी मकफिरत फरमाओ सब की मकफिरत फरमाओ है अल्लाह आपने बदर के अंदर कमजोर हालत में मदद फरमाई थी इस वक्त पूरी दुनिया में ईमान वाले कमजोर है ए कमजोरों की मदद करने वाले आपने तो वादा किया है वन मुन्ना फो फिल अर एल्ला पूरी दुनिया के कमजोरों की मदद फरमाओ ईमान वालों की मदद फरमाओ ईमान वालों की नुसरत फरमाओ जो जिस परेशानी और मुसीबत उलझन में है या परेशान किए जा रहे हैं या जिन पर मजालिम हैं, अल्लाह उन सबकी नुसरत और मदद फरमाओ जुल्म का खात्मा फरमाओ मजालिम का खात्मा फरमाओ हर तरह के जालिमों से तीनों से शरीरों से मक्कारों से हासिदों से साहिरों से तासुब करने वालों से दुश्मनों से हमारी हमारे घर वालों की पूरी दुनिया के ईमान वालों की हिफाजत फरमाओ हिफाजत फरमाओ हिफाजत फरमाओ अल्लाह ये कोरोना वायरस कोविड के नाम से जो बीमारी है उस बीमारी को ख़त्म फरमाओ बीमारों को शिफाए कामिला मिला आज लादाइम मुस्तमर इस नस्बत के तमाम फितने पाबंदियां सख्तियाँ मजालिम का खात्मा फरमाओ एल्ला मसाजिद को नमाजियों से भर दीजिए ए अल्लाह हरमेन शरीफ इन को उम्र तवाफ हाजियों से भर दीजिए तमाम इंसानों की जायज़ जरूरियात पूरी फरमाओ जितने ईमान वाले जेलों में हैं और ईमान वालों की मदद करने वाले जेलों में हैं हक की तरफदारी करने वाले जुल्म के खिलाफ बोलने वाले जेलों में हैं। सबको बाइज्जत बाफियत जिंदा सलामत छुटकारा अता फरमाओ पूरे आलम में अमनो अमान काम फरमाओ अदल इंसाफ का बोल बाला फरमाओ इंसानियत पर रहम फरमाओ तमाम इंसान और जिन्नात को ईमान अता फरमाओ ए अल्लाह तमाम मसाजिद की मदारिस की मकाब की खानका की जमातों की मराकस की दीन के तमाम कामों की काम करने वालों की भरपूर नुसरत और मदद फरमाओ एल्ला जो दिन के काम जहाँ कहीं जिस शक्ल में हो रहे हैं और आपके यहाँ वो पसंदीदा और मकबूल है उन तमाम कामों की काम करने वालों की मदद फरमाओ हिफाजत फरमाओ और जो काम सही ढंग पर नहीं है उनको सही ढंग पर बना दीजिए अल्लाह हमारी हमारी तमाम औलाद की हमारे घर वालों की हमारी कयामत तक आने वाली औलाद और नस्लों की जान की माल की ईमान की आमाल की इसमत की हिफाजत फरमाओ उनको कामिल मुकम्मल मुत्तकी मुसलमान बना दीजिए हर नौ की इर्तिदाद से हर नौ के हराम से हिफाजत फरमाओ अल्लाह हम सबको हमारी कयामत तक आने वाली नस्लों और औलाद को अपने दीन की मकबूल खिदमत के लिए कबूल फरमाओ एल्ला हर नौ के हराम हर नौ की इतदाद से हिफाजत फरमाओ बरकत वाली वसी हलाल रोजी रोटी अता फरमाओ किसी का दस्त निगर मोहताज न बनाओ एल्ला एल्ला सकराते मौत से कब्र के अजाब से महशर के हौलना नाकी से पुल सिरात पर कटने और फिसलने से जहन्नम की आग से आपके गजब और गुस्से से हम सब की हर हमेश हिफाजत फरमाओ हिफाजत फरमाओ हिफाजत फरमाओ ईमान पर हुसन खातिमा अता फरमाओ मदीने पाक की मौत अता फरमाओ में दफन होना नसीब फरमाओ कबर को जन्नत का बागीचा बनाओ और बिलाई साहब जन्नतल फिरदोस का वलीन दाखला अता फरमाओ बिलाई साहब जन्नतल का वली दाखला अता फरमाओ बिलाई साहब जन्नतल का वली दाखिला अता फरमाओ अल्लाह कयामत के दिन आपके अर्श अजीम का साया अता फरमाओ मोतियों के मिंबर पर जगह अता फरमाओ नबी ए करीम वसल्लम के नूरानी हाथ से हौज़े कौसर का जाम अता फरमाओ ए अल्लाह ए अल्लाह हुजूर की शफात को हमारे हक में कबूल फरमाओ हुजूर का मुसाफा नसीब फरमाओ हुजूर की मईत में जन्नतुल फिरदोस का दाखला अता फरमाओ अल्लाह हमें अपने दीन की मकबूल खिदमत के लिए कबूल फरमाओ अल्लाह हमारे जाहिर को बातिन को कौल को फैल को अमल को आपकी रज़ा के मुताबिक हमेशा के लिए बना दीजिए आपकी नाराजगी वाले कौल अमल फैल हरकत से हिफाजत फरमाओ जिंदगी का हर काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलम की सुन्नत के मुताबिक करने की तोफीक और शहादत फरमाओ हमारे अकायद को इबादत को माशरत को मामला को अखलाक को हमारी हर चीज को इस्लामी और सुन्नत के मुताबिक बना दीजिए अल्लाह आप हमसे हमेशा राजी हो जाइए नाराजगी से हिफाजत फरमाइए अपने गजब गुस्से से अहले जमीन की हिफाजत फरमाओ ए अल्लाह उजड़ो हुओं को आबाद फरमाओ बेसहारों को सहारा अता फरमाओ हर तरह के परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमाओ तमाम की जायज़ मुरादे पूरी फरमाओ जायज हाजतें पूरी फरमाओ हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाओ इल्म में बरकत अता फरमाओ जायज तमन्नाएं पूरी फरमाओ एल्ला हमें कुरान हदीस की खिदमत के लिए कबूल फरमाओ ए कलिमतुल्लाह के लिए अहियाए सुन्नत के लिए अहियाए जिक्र के लिए कबूल फरमाओ हमें रात में शामिल फरमाओ एल्लाह जिनके घरों में औलाद नहीं उनको औलादता फरमाओ जिनके घरों में औलाद है अल्लाह उनको नेक और सालह बनाओ ए अल्लाह हरे की जायस तमन्नाए पूरी फरमाओ एल्लाह हम सबसे राजी हो जाओ बदरी साहब राम को हमारी तरफ से जजाय खैरता फरमाओ बदरी साहब किराम रिदवान ताजमाइन को जजाय खैरता फरमाओ जमी सात रिदवान को जजाय खैरत फरमाओ जमी अम्बीआल मुसलात वसलाम को जजाय खैरता फरमाओ खा हमारे आका हजरत मोहम्मद रसोल सल्हसलम को हमारी तरफ से जजाय खैरत फरमाओ एल्ला तमाम ताबे तब ताबीन अम् मुश्तिदीन सूफिया और मुहदसिन और फुकहा और ए ये दीन की अमानत जिन ओलमा और जिन आपके रास्ते में जान माल लगाने वालों की मेहनत के तुफेल हम तक पहुँची उन सबको जजाय खै रता फरमाओ दीन की अमानत मौजूदा और आने वाली नस्लों तक पूरी अमानत दियानत के साथ पहुँचाने के लिए हमें कबूल फरमाओ एल्ला दुआ में शामिल और बदरखी मजलिस में शामिल सामीन सुनने वाले तमाम मरदो औरतों और की जायज़ मुरादे पूरी फरमाओ एन मजलिसों का इनका करने वाले उसको नश्र करने वालों को बेानतहाबूल फरमा फरमाओ मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को आता फरमाओ जिन शुरूर से पना चाहिए हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाओ ए रमजानुल मुबारक में मांगी हुई हमारी इज्तिमा फिरादी दुआओं को और इस वक्त की दुआओं को अपने करम और फजल से कबूल फरमाओ बदरी साहबा گیر के तुफेल में कबूल फरमाओ ए नबी करीम वसल्लम के बदर के मैदान में रोने और गिर गिराने के तुफेल में कबूल फरमाओ हुजूर के रोने और गिर गिराने के तुफेल में कबूल फरमाओ हुजूर के बदर में रोने और गिर गिराने के तुफेल में कबूल फरमाओ